बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम अलैकुम नाज़रीन। पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़ के इस्लामाबाद स्टूडियो से खबरनामे के साथ मैं हूं रिजवान रौनक। मैं हूं नाज़िया खान। नाज़रीन, खेल के अहवाल मैं समी इकबाल आपके साथ शेयर करूंगा। मौसम की खबरों के लिए मैं आपका साथ दूंगा कासिम अली, और आपको बताएंगे कि आइंदा 24 घंटे के दौरान मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम कैसा रहेगा। सबसे पहले शामिल करेंगे हेडलाइंस। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ की मुहर्रम उल हराम में अमन अमान बरकरार रखने के लिए सूबों के साथ मरबूत राबते की हिदायत। सिक्योरिटी उमूर में तआवुन कौमी इत्तेहाद और यकजहती के लिए अहम है। माशी आदाफ के हुसूल के लिए शफाफियत और खुद एहतसाबी जरूरी है। सख्त फैसले करते हुए ढांचा जाती असलाहत करना होगी। डाउन साइजिंग और राइट साइजिंग में ताखीरी हरबे बर्दाश्त नहीं किए जाएंगे। 10 लाख ट्यूबवेल शमसी तवानाई पर मुंतकिल किए जाएंगे। चीन के साथ माहिदों पर अमल दरामद के लिए तमाम वजारतें इकदाम यकीनी बनाएं। वजीर आजम शहबाज शरीफ की वफाकी काबीना के इजलास से खिताब। वफाकी काबीना की महकमा PWD खत्म करने के लाहे अमल की मंजूरी। वफाकी तरक्याती मनसूबों की निगरानी के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कंपनी बनाई जाएगी। मुलाजमीन की दर्जाबंदी के बाद मुतालिका वजारतों में मुंतकली होगी। गोल्डन हैंड शेक स्कीम लाने का फैसला। काबीना को हुकूमती हजम कम करने से मुतालिक कमेटी की भी ब्रीफिंग। पिशावर के इलाके हसन खेल में सिक्योरिटी फोर्सेस का मुश्तरक ऑपरेशन। इंतहाई मतलूब दहशतगर्द कमांडर अब्दुल रहीम समेत 3 दहशतगर्द जहन्नुम वासिल। ऑपरेशन के दौरान धरती के 4 सबूत मादरे वतन पर कुर्बान। शहदा में पाक फौज के सिपाही मोहम्मद इदरीस, सिपाही बादाम गुल और CDT के सब इंस्पेक्टर ताज मीर शाह और ASI मोहम्मद इकराम शामिल। ISPR सेनेट कायमा कमेटी इतलात और नशरियात का इजलास। वजारत इतलात और जैली महकमों के बारे में ब्रीफिंग। जमहूरी रिवायात के अमीन हैं। जाती पसंद और नापसंद की बुनियाद पर किसी चैनल के इश्तहार नहीं रोके गए। डीप फेक वीडियो जैसे मामलों से निमटने के लिए अथॉरिटी के क्याम पर मुशावरत जारी है। सहाफियों और मीडिया वर्कर्स के लिए हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम के लिए तमाम उमूर तय पा चुके हैं। वजीर इतलात अताउल्ला तारण। चीनी शहरियों की सिक्योरिटी से मुतालिक उमूर पर जायजा इजलास। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी की कवायद जवाबित पर मुकम्मल अमल दरामद और सिक्योरिटी ऑडिट यकीनी बनाने की हिदायत। चीनी बाशिंदों के तहफ्फुज़ के हवाले से कोई कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। मैट्रिक इम्तिहानात में पोजीशन होल्डर्स तलबा की आला तालीम के लिए खराजात पंजाब हुकूमत उठाएगी। वज़ीर आला मरियम नवाज का ऐलान। नुमाया कारकर्दगी का मुजाहरा करने वाले तालिब इल्मों में इनामात और तारीफी सर्टिफिकेट्स तकसीम। मुल्क का मुस्तकबिल रोशन है। पोजीशन होल्डर्स की काबिलियत काबिले रश्क है। वज़ीर आला पंजाब। सिहोनी बर्बरियत ने तमाम हदें पार कर ली। नए हमलों में मजीद 52 फलस्तीनी शहीद। खान यूनस में रिहायशी इलाके पर बमबारी में औरतों और बच्चों समेत 30 अफराद लुकमायाचल बन गए। सिहोनी फौज का तमाम शहरियों को गजा से निकल जाने का हुक्म। शिमाली गजा में 3 अहम हस्पताल बंद। 4 स्कूलों में मौजूद बेघर अफराद पर भी गोलाबारी। मसला फलस्तीन का पुरअमन और मुनसिफाना हल नागुजीर हो गया है। फलस्तीनी रियासत के क्याम के बगैर मशरिक़ वस्ता में अमन और सलामती मुमकिन नहीं। जरूरी है कि बैन अल-अक़वामी क़वानीन का नफाज यकीनी बनाया जाए। सऊदी वजीर खारजा शहजादा फैसल बिन फरहान। व
वाशिंगटन में 3 रोजा नेटो सरबरा इजलास, 32 रुकन ममालिक समेत यूक्रेन, जापान, जनूबी कोरिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के रहनुमा भी शरीक। अमरीका का यूक्रेन को नया फजाई दिफाई निजाम देने का ऐलान। तवील फासले पर मार करने वाले मिसाइल भी दिए जाएंगे। यूक्रेन ही रूस के अजाइम को नाकाम बना सकता है। सदर जो बाइडन। मकबूजा कश्मीर जेल में तब्दील। अमरनाथ यात्रा की सिक्योरिटी की आड़ में सख्त पाबंदियां। पैरामिलिट्री फोर्स की इजाफी नफरी तैनात। महासिर तलाशी के नाम पर काबिज फौज की जालिमाना कार्रवाइयां। खैबर पख्तूनख्वा, बालाई पंजाब, शिमाल मशरकी बलोचिस्तान, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में कहीं रिमझिम और कहीं मूसलाधार बारिश। इस्लामाबाद, रावलपिंडी, लाहौर, फैसलाबाद और मालम जब्बा में बादल खूब बरसे। कराची, ठट्ठा, रावलकोट, मुजफ्फराबाद और कोटली में भी बारिश। सिलसिला 15 जुलाई तक जारी रहने की पेशगोई। पहाड़ी इलाकों में लैंड स्लाइडिंग का खतरा। NDMA की मुतल्लिका इदारों को अलर्ट रहने की हिदायत। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की सिलेक्शन कमेटी में तब्दीली। वहाब रियाज और अब्दुल रजाक फारिग। 7 रुकनी कमेटी के 5 अरकान को तब्दील नहीं किया गया। कोपा अमेरिका, अर्जेंटीना फाइनल में पहुंच गया। पहले सेमीफाइनल में कनाडा को 2-0 से शिकस्त। दूसरे सेमीफाइनल में यूरोगॉय और कोलंबिया कल मध्य मुकाबले होंगे। इवेंट PTV स्पोर्ट्स HT पर बराहे रास्त। आलमी नंबर 1 जानिक सिनर विंबलडन ओपन से बाहर। रूस के डेनियल मेदेदोव और स्पेन के कार्लोस अल्काराज की सेमीफाइनल में रसाई। खवातीन में इटली की जैस्मिन पाओलिनी और क्रोएशिया की डोना वेलिक ने भी सेमीफाइनल में जगह बना ली। और पाकिस्तान आर्मी ने कोपहमा सलमा मसूद और रेमर हैनिस रिचर्ड को रेस्क्यू कर लिया। बजरिया हेलीकॉप्टर्स कर दो मुंतकिल। दोनों कोपहमा एक रोज कबल ब्रॉड पीक सर करने के लिए रवाना हुए थे। तबियत की खराबी के बायस दोनों कोपहमाओं को रेस्क्यू किया गया। हेडलाइंस आप जान चुके हैं, खबरों की तफसील होगी इस ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए। गरीब लोग, आम आदमी बिजली का जो बिल 100 यूनिट या 200 यूनिट देते हैं, 200 यूनिट तक हम इनको रियायत दे रहे हैं 3 महीने के लिए। 50 अरब रुपए हमने मुख्तस किए हैं और 94% घरेलू सार्फीन हैं, उनको इसका फायदा पहुंचेगा 4 रुपए से लेकर 7 रुपए फी यूनिट। इससे इंशाल्लाह मैं समझता हूं कि जो जायज एक मुतालबा है आम आदमी का, वो इंशाल्लाह पूरा होगा। आवाम की खुशहाली और बेहतरी के लिए हम दिन रात सरगर्मी अमल हैं। आवाम को मिले सहूलियात, यही है हमारी तरजीहात। गरीब लोग, आम आदमी बिजली का जो बिल 100 यूनिट या 200 यूनिट देते हैं, 200 यूनिट तक हम इनको रियायत दे रहे हैं 3 महीने के लिए। 50 अरब रुपए हमने मुख्तस किए हैं और 94% घरेलू सार्फीन हैं, उनको इसका फायदा पहुंचेगा 4 रुपए से लेकर 7 रुपए फी यूनिट। इससे इंशाल्लाह मैं समझता हूं कि जो जायज एक मुतालबा है आम आदमी का, वो इंशाल्लाह पूरा होगा। आवाम की खुशहाली और बेहतरी के लिए हम दिन रात सरगर्मी अमल हैं। आवाम को मिले सहूलियात, यही है हमारी तरजीहात।
ناظرین بلشن کب کریں کہ باقاعدہ آغاز وزیراعظم محمد شہباز شریف نے محرم الحرام میں امن و امان برقرار رکھنے کے لیے صوبوں کے ساتھ مربوط رابطے کی ہدایت کرتے ہوئے کہا ہے کہ سیکیورٹی معاملات میں تعاون قومی اتحاد اور یکجہتی کے لیے اہم ہے۔ اسلام آباد میں وفاقی کابینہ اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ معاشی اہداف کے حصول کے لیے شفافیت اور خود احتسابی ضروری ہے، بحیثیت قوم اہم فیصلے کرتے ہوئے ڈھانچہ جاتی اصلاحات کرنا ہوگی۔ تفصیل جانتے ہیں آغا مسعود خالد سے۔ وفاقی کابینہ کے اجلاس میں اظہار خیال کرتے ہوئے وزیراعظم محمد شہباز شریف نے کہا کہ پاکستان کی ترقی اور خوشحالی کے لیے ہمیں معاشی چیلنجز کا سامنا کر کے آگے بڑھنا ہے تاکہ آنے والی نسلیں ہماری مخلصانہ کاوشوں کو یاد رکھیں۔ انہوں نے کہا کہ بجلی چوری کا خاتمہ اور ٹیکس نظام میں اصلاحات ہماری ترجیحات ہیں۔ وزیراعظم نے کہا کہ درآمدی سلیب کی مد میں کراچی بندرگاہ پر 1200 ارب روپے کی چوری کسی صورت قابل برداشت نہیں۔ انہوں نے کہا کہ پی ڈبلیو ڈی کو ختم کیے جانے کے حوالے سے انکار کسی صورت قابل قبول نہیں ہوگا۔ ڈیپ سیکٹر ریفارمز لانے پڑیں گے، کڑوے فیصلے کرنے پڑیں گے۔ آئی ایم ایف کا ایک نظام ہے، ہمیں چلانا ہے، اس کے بغیر اگر گزارا ہو سکتا تھا تو ہم کیوں جاتے؟ ڈاؤن سائزنگ اور رائٹ سائزنگ کے اوپر میری پرسنل توجہ ہے۔ آئی ول ناٹ لسن نو ٹو وائنڈنگ اپ پی ڈبلیو ڈی، آئی وانٹ اے کمپلیٹ کلوجر آف دس۔ تو یہ ہمیں اس کو بند کرنا ہے بالکل۔ آلٹرنیٹ جو سسٹم ہے وہ ہم نے ڈھونڈ لیا ہے، جو آئیڈیا پنجاب کا ہے اسی ماڈل پہ۔ وزیراعظم نے کہا کہ غریب طبقے کو ریلیف فراہم کرنے کے لیے ترقیاتی بجٹ میں سے 50 ارب روپے کا انتظام کیا، جس کا مقصد غریب اور تنخواہ دار طبقے کو 3 ماہ کے لیے بجلی کے بلوں میں ریلیف فراہم کرنا ہے۔ وزیراعظم نے ہدایت کی کہ وزارت تجارت 60 ارب ڈالر کی برآمدات کے حوالے سے مکمل پلان اور آئی ٹی کا شعبہ اگلے 5 سال میں 25 ارب ڈالر ملک میں لانے کا مکمل لائحہ عمل تیار کرے۔ ان کا کہنا تھا کہ ہمیں دن رات ایک کر کے معاشی اقدامات کو نتیجہ خیز بنانا ہے۔ غریب آدمی کدھر جائے؟ ٹیکس بھی وہ دے رہا ہے، وہ تو بےچارا ایمانداری سے بڑی مشکل سے اپنے بچوں کا پیٹ پالتا ہے۔ تو اس کے لیے بھی کل 50 ارب روپے کا ہم نے انتظام کر کے کٹ لگا کے ان کو کچھ 3 مہینے کا ریلیف دیا ہے۔ اس 3 مہینوں میں آئی وڈ وانٹ ٹو ہیو میسو فزیکل اسپیس تھرو ایکسٹرا میجرز ٹو ریکور آر ریونیوز۔ انفورسمنٹ کے ذریعے وہ پیسہ جو ڈوب رہا ہے اربوں خربوں کا، صرف کراچی پورٹ پہ 1200 ارب روپے کی چوری ہو رہی ہے، اٹس اے ہیوج اماؤنٹ۔ آئی بیگ آف یو ان دا نیم آف پاکستان، Let's stand up and accept this challenge and move forward in unison and create a difference so that our posterity will remember us for our humble yet great deeds. کابینہ کے اجلاس میں گزشتہ روز خیبر پختونخوا میں دہشت گردی کے واقعات میں شہید ہونے والے پاک فوج کے افسر اور جوانوں اور کراچی میں شہید ہونے والے سیکیورٹی اہلکار کے ایصال ثواب کے لیے فاتحہ خوانی اور زخمیوں کی جلد صحت یابی کے لیے دعا کی گئی۔ آغا مسعود خالد، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، اسلام آباد۔ وزیراعظم کی صدارت میں وفاقی کابینہ کے اجلاس میں اہم فیصلے کیے گئے۔ تفصیل بتا رہے ہیں شاہ رخ شفیع۔ اسلام آباد میں ہونے والے وفاقی کابینہ کے اجلاس میں وزارت ہاؤسنگ اینڈ ویلتھ کی سفارش پر پاک پی ڈبلیو ڈی کو ختم کرنے کے لائحہ عمل کی منظوری دی گئی۔ منظور شدہ لائحہ عمل کے مطابق وفاقی ترقیاتی منصوبوں کی نگرانی کے لیے پاکستان انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ کمپنی بنائی جائے گی، جبکہ وفاقی حکومت کے زیر نگرانی صوبائی نوعیت کے تمام ترقیاتی منصوبوں کو متعلقہ صوبائی اداروں کے حوالے کیا جائے گا۔ اسی طرح پاک پی ڈبلیو ڈی کو تفویض شدہ دیکھ بھال اور مرمت کے کاموں کو جاری رکھنے کے لیے ایسٹ اینڈ فیسلٹی مینجمنٹ کمپنی کا قیام عمل میں لایا جائے گا۔ پاک پی ڈبلیو ڈی کے عملے کی درجہ بندی کے بعد متعلقہ وزارتوں میں منتقلی کی جائے گی اور گولڈن ہینڈ شیک اسکیم عمل میں لائی جائے گی۔ کابینہ نے ہدایت کی کہ ٹرانزیشن کا یہ عمل 2 ہفتوں کے اندر مکمل کیا جائے۔ کابینہ کو وزیر خزانہ کی سربراہی میں حکومتی حجم کو کم کرنے کے حوالے سے بنائی گئی کمیٹی نے بریفنگ میں بتایا وزارتوں کے غیر ضروری ذیلی اداروں کو بند کرنے اور ضروری اداروں کی رائٹ سائزنگ کے حوالے سے بنیادی معلومات حاصل کی جا رہی ہیں۔ یہ عمل 12 جولائی تک مکمل ہو جائے گا۔ کابینہ نے ملک میں قانونی طور پر رہائش پذیر 14.5 لاکھ افغان مہاجرین کے پی او آر کارڈز کی مدت میں 1 سال یعنی 30 جون 2025 تک توسیع کی منظوری دی ہے۔ وفاقی کابینہ نے وزارت ہاؤسنگ اینڈ ورکس کی سفارش پر پشاور میں فیڈرل لاج نمبر 2 کی عمارت کو دفتری استعمال کے لیے الیکشن کمیشن آف پاکستان کو منتقل کرنے کی منظوری دی ہے۔ وفاقی کابینہ نے وزارت قانون و انصاف کی سفارش پر ملک کے مختلف شہروں میں اپلیٹ ٹریبونل ان لینڈ ریونیو کے بینچوں سے 7 اکاؤنٹ ممبران کو واپس ایف بی آر بھیجنے، 14 افسران کو
तैनात करने की मंजूरी दी है। वफाकी काबीना ने वजारत कौमी सेहत की सिफारिश पर पाकिस्तान मेडिकल एंड डेंटल काउंसिल के मेयार पर पूरा ना उतरने के बायस बहावलपुर मेडिकल कॉलेज की 19 अप्रैल 2024 से तस्लीम शुदा हैसियत खत्म करने की मंजूरी दी है। इस इदारे में जेर तालीम तुलबा को मुल्क के दीगर मेडिकल कॉलेजेस में मुंतकिल किया जाएगा। इजलास में वज़ीर-ए-आज़म ने इस्तफसार किया कि गैर मियारी होने के बावजूद बहावलपुर मेडिकल कॉलेज को PMDC ने तालीमी सरगर्मियां जारी रखने की इजाजत क्यों दी। वज़ीर-ए-आज़म ने प्राइम मिनिस्टर इंस्पेक्शन कमीशन को तहकीकात का हुक्म भी दिया। वज़ीर-ए-आज़म ने PMDC के मामलात के हवाले से कमेटी तश्कील दे दी और इन्हें हदायत जारी की कि PMDC के थर्ड पार्टी ऑडिट के हवाले से तजावीज काबीना के अगले इजलास में पेश करें। वफाकी काबीना ने वजारत सेहत की सिफारिश पर ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी के 53 इश्तहारात को TV, रेडियो और अखबारात में तशहीर करने की मंजूरी दी। वफाकी काबीना ने के इलेक्ट्रिक के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में हुकूमत की जानिब से जावेद कुरैशी को डायरेक्टर तैनात करने की मंजूरी दी। वजीर आजम ने हदायत की कि तमाम रियासती इदारों के गैर फाल और नामुकम्मल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में 2 हफ्तों के अंदर पेशावराना तौर पर अच्छी शोहरत के हामिल अफराद तैनात करके इनको फाल बनाया जाए। वफाकी काबीना ने इक्तसादी राबता कमेटी के 27 जून 2024 और काबीना कमेटी के 4 जुलाई 2024 को होने वाले इजलास में लिए गए फैसलों की भी तौसीक कर दी। शाहरुख शफी, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज, इस्लामाबाद। वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने कौमी असेंबली को बताया कि गंदम की बरामद का कोई फैसला नहीं हुआ है। PTI दौर में गंदम और चीनी बरामद करके फिर दरामद की गई और खजाने को अरबों रुपए का नुकसान पहुंचाया गया। तफसील जानते हैं फहद जावेद से। कौमी असम्बली का इजलास स्पीकर सरदार एयाज सादी के जेर सदारत हुआ। वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने इजहार ख्याल करते हुए कहा कि गंदम की बरामद का कोई फैसला नहीं किया गया। इस मुअज़्ज़ज़ ऐवान की खिदमत में मैं ये अर्ज करना चाहता हूँ कि गंदम की एक्सपोर्ट का कोई फैसला नहीं हुआ। अलबत्ता ये बात रिकॉर्ड की है कि इनके ज़माने में गंदम एक्सपोर्ट हुई, शुगर एक्सपोर्ट हुई और फिर गंदम इम्पोर्ट हुई और शुगर इम्पोर्ट हुई और अरबों खरबों कहाँ गए वो तारीख का हिस्सा। ऐवान में सरकारी मलकियती इदारे तरमीमी बिल 2024 मंजूर कर लिया। बिल वजीर कानून आजम नजीर तारर ने ऐवान में पेश किया। वजीर दिफा ख्वाजा मोहम्मद आसिफ ने इजहार ख्याल करते हुए कहा कि माजी में जमहूरी और पार्लिमानी रिवायात को बुरी तरह नजरअंदाज किया गया। इन्होंने जो रिवायात मुरतब की अपनी स्पीकरशिप में वो शर्मिंदा होता है ये ऐवान वो रिवायात याद करके। ये किस बात का क्रेडिट ले रहे हैं? इन्होंने जो इस ऐवान की तोहीन की हुई अपनी स्पीकरशिप के दौरान वो इस ऐवान की कार्रवाई का हिस्सा है। एक हमारा असीर जो है मैंने उसकी मदद के लिए नहीं आया। एक के लिए प्रोडक्शन ऑर्डर इशू किया नहीं किया। तवज्जो दिलाओ नोटिस पर विफाकी वजीर आजम नजीर तारड़ ने बताया कि इस वक्त मुल्क को 1 लाख से ज्यादा नर्सिस की कमी का सामना है। सरकारी सतह पर नर्सिस के 214 और निजी शोबे के तहत 375 कॉलेजेस में नर्सों को तालीम दी जा रही है। ऐवान में दहशतगर्दी के वाकयात में शहीद होने वाले सिक्योरिटी फोर्सेज के एहलकारों और मुख्तलिफ हादसात में जान बहक होने वाले अफराद के लिए फातिहा खानी भी की गई। कौमी असम्बली का इजलास गैर मुइना मुद्दत तक मुलतवी हो गया। फाज जावेद, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज, इस्लामाबाद। आज़रबाईजान के सदर इल्हाम अलियोफ कल से पाकिस्तान का 2 रोज़ा दौरा करेंगे। सदर इल्हाम अलियोफ इस दौरे में सदर आसिफ अली सरदारी और वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ से मुलाकातें करेंगे। इन मुलाकातों में दो तरफा तआवुन को मज़ीद मजबूत बनाने पर बातचीत होगी। दौरे में दोनों ममालिक के दरमियान मुख्तलिफ माहिदों और मफाहमत की यादाश्तों पर दस्तखत भी होंगे। सदर इल्हाम अलियोफ वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ की खसूसी दावत पर यह दौरा कर रहे हैं। नाज़रीन, पेशावर के इलाके हसन खेल में सिक्योरिटी फोर्सेस ने दहशतगर्दों की मौजूदगी की मुसद्दका खुफिया इत्तला पर ऑपरेशन किया। ISPR के मुताबिक ऑपरेशन के दौरान फायरिंग के शदीद तबादले में इंतहाई मतलूब दहशतगर्द कमांडर अब्दुल रहीम समेत 3 दहशतगर्द जहन्नम वासल कर दिए गए। हलाक दहशतगर्द कमांडर के सर की कीमत 60 लाख रुपये मुकर्रर थी। ये दहशतगर्द 26 मई 2024 को दहशतगर्दी के एक वाक़े में कैप्टन हुसैन जहांगीर और हवालदार शफीकुल्ला की शहादत में मतलूब था। इस ऑपरेशन के दौरान धरती के 4 सपूत मादरे वतन पर कुर्बान हो गए। शहदा में पाक फौज के सिपाही मोहम्मद इदरीस, सिपाही बादाम गुल, CTD खैबर पख्तूनख्वा के सब इंस्पेक्टर ताज मीर शाह और ASI मोहम्मद अकरम शामिल हैं। ISPR एलामिए में कहा गया है कि पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेज दहशतगर्दी की लानत के मुकम्मल खात्मे के लिए कानून नाफिज करने वाले इदारों के शाना बशाना हैं।
जवानों की शहादतें दहशतगर्दी को मुकम्मल जड़ से ख़त्म करने के कौमी अज़्म को मज़ीद तक़वियत देती हैं। वज़ीरे आज़म शहबाज शरीफ और सदर आसिफ अली ज़रदारी ने हसन खेल में हाई प्रोफाइल दहशतगर्द समेत तकरीबकारों को जहन्नुम वासल करने पर सिक्योरिटी फोर्सेज को खराज तहसीन पेश किया है। उन्होंने कानून नाफिज करने वाले इदारों के अहलकारों की बहादुरी और पेशावराना महारत को सराहते हुए शहदा को खराज अकीदत पेश किया। उन्होंने शहीद अहलकारों के दराजात की बुलंदी के लिए दुआ की और दहशतगर्दी को जड़ से उखाड़ फेंकने के अज़्म का इयादा किया। शिमाली वज़ीरिस्तान में दहशतगर्दों के साथ शदीद फायरिंग के तबादले में शहीद होने वाले कैप्टन मोहम्मद उसामा बिन अरशद शहीद को रावलपिंडी में मुकम्मल फौजी एजाज के साथ सपुर्दे खाक कर दिया गया। शहीद की नमाज जनाजा में फौजी अफसरों, जवानों और शहरियों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। शहीद के जसद खाकी को पाक फौज के चाको चौबंद दस्ते ने सलामी पेश की। ISPR के इलामी में कहा गया है कि मादर वतन से दहशतगर्दी की लानत के मुकम्मल खात्मे तक ये जंग जारी रहेगी। पाकिस्तान और अमेरिका की इन्फेंट्री राइफल कंपनी मशकें इख्तिताम पजीर हो गई हैं। ISPR के मुताबिक इख्तितामी तकरीब नेशनल काउंटर टेररिज्म सेंटर पब्बी में मुनाकिद हुई। पाकिस्तान और अमेरिका के दरमियान इंसदाद दहशतगर्दी के हवाले से इन्फेंट्री राइफल कंपनी मशकें पहली बार मुनाकिद की गई हैं। मशकों में दोनों अफवाज के दस्तों ने भरपूर कारकर्दगी और पेशावराना महारत का मुजाहरा किया। जनरल ऑफिसर कमांडिंग 17 डिवीजन ने इख्तितामी तकरीब में बतौर मेहमान खसूसी शिरकत की। अमरीकी फौज के 34 इन्फेंट्री डिवीजन के कमांडिंग जनरल मेजर जनरल चार्ल्स जी कैंपर भी इख्तितामी तकरीब में मौजूद थे। इन्फेंट्री राइफल कंपनी एक्सचेंज का मकसद बाहमी तजर्बात का तबादला था। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी की सदारत में इस्लामाबाद में होने वाले इजलास में चीनी शहरियों की सिक्योरिटी से मुतालिक उमूर का जायजा लिया गया। वजीर दाखिला ने कहा कि चीनी बाशिंदों के तहफ्फुज के हवाले से कोई कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने नए कवायद जवाबित पर मुकम्मल अमल दरामद की हिदायत करते हुए कहा कि मुकर्रर टाइम लाइन में सिक्योरिटी ऑडिट यकीनी बनाया जाए। वजीर दाखिला ने कहा कि चीनी शहरियों की सिक्योरिटी से मुतालिक SOPs मुतालिका इदारों की मशावरत से तैयार किए गए हैं। इजलास में मुख्तलिफ मनसूबों पर काम करने वाले चीनी बाशिंदों के तहफ्फुज के लिए इकदाम के बारे में ब्रीफिंग दी गई। मंसूबा बंदी और तरक्की के वजीर अहसन इकबाल से चीन के सफी जियांग ज़िरोंग ने इस्लामाबाद में मुलाकात की, जिसमें दो तरफा ताल्लुकात और इक्तसादी राहदारी के दूसरे मरहले के हवाले से इकदामात पर तबादला ख्याल हुआ। वफाकी वजीर ने CPEC मंसूबों पर अमल दरामद यकीनी बनाने के हुकूमती अज़्म का इजहार करते हुए खसूसी इक्तसादी ज़ोन्स को फ़ाल करने और सरमायाकारी में इजाफे की जरूरत पर जोर दिया। वज़ीर इत्तला'आत अताउल्लाह तारड़ कहते हैं कि सहाफ़ियों की हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम के लिए तमाम मामलात तय पा चुके हैं। 30,000 सहाफ़ी और मीडिया वर्कर्स मुस्तफ़ीद होंगे। सेनेट कायमा कमेटी में इजहार ख्याल करते हुए उनका कहना था कि डीप फेक वीडियो जैसे मामलात से निमटने के लिए अथॉरिटी के क्याम पर मुशावरत जारी है। मज़ीद तफ़सील बता रहे हैं अरसलान असद। सीनेट की कायमा कमेटी का इजलास चेयरमैन सेनेटर सैयद अली जफर की जेर सदार पार्लियामेंट हाउस में हुआ। इजलास में वजीर इत्तला'आत व नशरियात अताउल्लाह तार और सेक्रेटरी शाहिरा शाहिद ने वजारती इत्तला'आत व नशरियात के मुतालिक तफसीली ब्रीफिंग दी। कमेटी के चेयरमैन ने कहा कि आईन के तहत आजादी इजहार राय हर शहरी का बुनियादी हक है। वजारत के साथ मिलकर ऐसा लाहे अमल इख्तियार किया जाएगा जिसके तहत आवाम को हकैक पर मबनी मालूमात तक रसाई मयसर हो। वजीर इत्तला'आत अताउल्लाह तार ने कमेटी को यकीन दिलाया कि वजारत इस सिलसिले में कायमा कमेटी से मुकम्मल तआवुन करेगी। उन्होंने कहा कि हम जमहूरी रवायात के अमीन हैं। हमारे कायद नवाज शरीफ ने हमेशा पार्लिमान की बालादस्ती को तरजीह दी। उन्होंने हमें सियासत में बर्दाश्त सिखाई। हम सियासी मुखालफत को जाती दुश्मनी नहीं बनाते। वजीर इत्तला'आत ने कमेटी को आगाह किया कि मौजूदा हुकूमत में जाती पसंद व नापसंद पर किसी भी चैनल के इश्तेहारात नहीं रोके। मीडिया को इश्तेहारात की मद में वाजिबुल अदा 1,60,00,000 रुपए अदा कर दिए गए हैं। बजट में अखबार के इशात में इस्तेमाल होने वाले कागज पर 10% टैक्स भी नहीं लगने दिया और अब मीडिया मालकान को चाहिए कि वो भी मीडिया वर्कर्स और सहाफियों के वाजिबात अदा करें, उनकी तनख्वाहों में भी मुनासिब इजाफा करें। जर्नलिस्ट हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम से मुतालिक वजीर इत्तला'आत ने बताया कि पहले मरहले में 5,000 सहाफी और मीडिया वर्कर मुस्तफीद होंगे। इंश्योरेंस कंपनियों को प्रीमियम की अदायगी कर दी गई है। मुल्क भर के 10,000 अस्पतालों से मामलात भी तय पा चुके हैं। कायमा कमेटी को बताया गया कि PTV एक कौमी असासा है, इसकी बेहतरी और बहाली के लिए इकदाम किए जा रहे हैं। कायमा कमेटी ने सेंट्रल मीडिया लिस्ट में शामिल 2,000 अखबार से मुतालिक तफसीलात आइंदा इजलास में तलब कर ली। अरसलान सद, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद। खबरों का सिलसिला जारी है लेकिन यहाँ पर लेंगे एक ब्रेक। हमारे साथ रहिए। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर।
اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان محمد رسول الله اشهد ان محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة गरीब लोग आम आदमी बिजली का जो बिल 100 यूनिट या 200 यूनिट देते हैं 200 यूनिट तक हम इनको रियायत दे रहे हैं 3 महीने के लिए 50 अरब रुपए हमने मुख्तस किए हैं और 94% घरेलू सार्फीन हैं उनको इसका फायदा पहुंचेगा 4 रुपए से लेकर 7 रुपए फी यूनिट इससे इंशाल्लाह मैं समझता हूँ कि जो जायज एक मुतालबा है आम आदमी का वो इंशाल्लाह पूरा होगा। आवाम की खुशहाली और बेहतरी के लिए हम दिन रात सरगर्मी अमल हैं। आवाम को मिले सहूलियात यही है हमारी तरजीहात। गरीब लोग आम आदमी बिजली का जो बिल 100 यूनिट या 200 यूनिट देते हैं 200 यूनिट तक हम इनको रियायत दे रहे हैं 3 महीने के लिए 50 अरब रुपए हमने मुख्तस किए हैं और 94% घरेलू सार्फीन हैं उनको इसका फायदा पहुंचेगा 4 रुपए से लेकर 7 रुपए फी यूनिट इससे इंशाल्लाह मैं समझता हूं कि जो जायज एक मुतालबा है आम आदमी का वो इंशाल्लाह पूरा होगा। आवाम की खुशहाली और बेहतरी के लिए हम दिन रात सरगर्मी अमल हैं। आवाम को मिले सहूलियात यही है हमारी तरजीहात। नाज़रीन खबरनामे में एक बार फिर खुश आमदीद। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब से स्टैंडर्ड एंड पोर्स ग्लोबल रेटिंग एजेंसी के वफद ने इस्लामाबाद में मुलाकात की। वज़ीर ख़ज़ाना ने वफ़ को मुल्क की माशी सूरत हाल के बारे में आगाह किया। उन्होंने IMF के साथ 9 माह के स्टैंड बाय अरेंजमेंट की कामयाब तकमील और मैक्रो इकोनॉमिक अशारियों में बेहतरी पर भी रोशनी डाली। वज़ीर ख़ज़ाना ने टैक्स नेट बढ़ाने समेत शोबे तवानाई में जारी असलाहत और सरकारी इदारों के निशकारी के बारे में इकदाम से भी आगाह किया। बैन अल मसालिक हम आहंगी इत्तेहाद उम्मत की असास और वक्त की अहम ज़रूरत है। मजलिस उलमा बलोचिस्तान के तहत मुनक़िदा कॉन्फ्रेंस में पैगाम पाकिस्तान के अज़म को दोहराया गया। क्वेटा से रिपोर्ट कर रहे हैं सरफराज शेख। इत्तेहाद उम्मत कॉन्फ्रेंस का इनेकाद क्वेटा में हुआ। चेयरमैन मरकजी रोयत हलाल कमेटी मौलाना सैयद अब्दुल खबीर आज़ाद की ज़ेर सदारत कॉन्फ्रेंस में मजलिस उलमा बलोचिस्तान की जानिब से तमाम मकातिब फ़िक्र के जैद उलमा कराम और दिगर मजाहिब के रहनुमाओं ने शिरकत की। कॉन्फ्रेंस के दौरान मुहर्रमुल हराम में क़याम अमन के लिए बैनुल मसालिक हम आहंगी इत्तेहाद बैनुल मुस्लिमीन और पैगाम पाकिस्तान के फरोग की अहमियत को उजागर किया गया। ये वतन हमारा है और इस वतन अजीज पाकिस्तान को लेकर हमने आगे बढ़ना है और किसी ऐसे एजेंडे को जो मुल्क के खिलाफ हो हम उसको इस वतन अजीज पाकिस्तान में कामयाब नहीं होने देंगे। मुहर्रमुल हराम और अशूर मुहर्रम के क्याम अमन के लिए अपना जो किरदार है
उसको अदा करेंगे। इत्तेहाद उम्मत कॉन्फ्रेंस में उलमाए कराम का कहना था कि मुहर्रम उल हराम इस्लाम की सरबुलंदी का महीना है। अहले बैत अतहार और सहाबाए कराम की इज्जत व तकरीम हमारी अकीदत का महवर है। मुहर्रम उल हराम में अमन को कायम रखना कौम की मुश्तरका जिम्मेदारी है। कॉन्फ्रेंस में मुल्क दुश्मन अनासिर की सरकोबी और शिकस्त के लिए उलमाए कराम ने इत्तेहाद उम्मत के अज़्म का अदा करते हुए भरपूर यकजहती का मुजाहरा किया और उम्मत मुस्लिमा की सरबुलंदी और इस्तेहकाम पाकिस्तान के लिए दस्ते दुआ दराज किए। मुहर्रम उल हराम का मुकद्दस महीना एहतराम इंसानियत रवादारी और भाईचारे का दर्स देता है। सरफराज शेख, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, क्वेटा। पंजाब हुकूमत ने टैक्सला और लाहौर के सनती इलाके की लेबर कॉलोनियों में मेहनत कशों को मुफ्त फ्लैट देने का ऐलान किया है। वज़ीर आला मरियम नवाज शरीफ की सदारत में होने वाले इजलास और दीगर मसरूफियात की तफसील बता रहे हैं वसीम सज्जाद। लाहौर में वज़ीर आला पंजाब की सरबराही में होने वाले इजलास में फैसला किया गया कि मजदूरों को 1224 फ्लैट्स बिला मुआवजा दिए जाएंगे। वज़ीर आला ने मेहनत कशों को डेथ और मैरिज ग्रांट की मद में वाजिब उल अदा 6 अरब रुपए की अदायगी के लिए भी अहकाम जारी किए। इजलास में गारमेंट सिटी में खवातीन वर्कर्स के लिए 2 हॉस्टल तामीर करने की भी मंजूरी दी गई। वज़ीर आला मरियम नवाज शरीफ ने लाहौर बोर्ड के पोजीशन होल्डर से ऐवान वज़ीर आला में मुलाकात की और हुकूमत की जानिब से पोजीशन होल्डर्स की आला तालीम के लिए फीस की अदायगी का ऐलान किया। पोजीशन होल्डर तालबा ने वज़ीर आला से गुफ्तगू करते हुए कहा कि वज़ीर आला मरियम नवाज की जानिब से हौसला अफजाई से तलबा का एतमाद बढ़ा है। वज़ीर आला मरियम नवाज ने पोजीशन होल्डर को तारीफी असनाद और इनामात दिए। वज़ीर आला मरियम नवाज शरीफ ने पहली पोजीशन हासिल करने वालों को 3-3, दूसरी पोजीशन हासिल करने वाले तलबा तलबात को 2 लाख जबकि थर्ड पोजीशन होल्डर को 1-1 लाख रुपए के चेक दिए। वज़ीर आला मरियम नवाज शरीफ से बरतानवी माहिर तालीम माइकल बारबर ने वीडियो लिंक के जरिए मुलाकात की। मुलाकात में मियार तालीम बेहतर बनाने के लिए जदीद तरीक़ाकार के नफाज पर गुफ्तगू की गई। वज़ीर आला पंजाब ने कहा कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की जानिब से तालीमी एमरजेंसी के ऐलान के बाद पंजाब हुकूमत तालीमी असलाहत पर हंगामी बुनियादों पर काम कर रही है। लाहौर में रुकन सूबाई असम्बली अदनान अफजल चट्ठा से गुफ्तगू करते हुए वज़ीर आला मरियम नवाज ने कहा कि अवाम की रिलीफ की फराहमी हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है। समाजी और मुआशी तरक्की के लिए मुख्तलिफ इकदामात किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि चीफ मिनिस्टर स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम नौजवानों के लिए कामयाबी की नवीद होगा। वसीम सज्जाद, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, लाहौर। नाज़रीन, लाहौर बोर्ड के हालिया मैट्रिक इम्तिहानात में दानिश स्कूल मियांवाली के तालिबे इल्म आयान काशिफ ने पहली पोजीशन हासिल की है। नुमाया कामयाबी ने मुस्तहिक तलबा के लिए दानिश स्कूलों की अफादियत पर मोहर सब्त कर दी है। तफसील इस रिपोर्ट। मियांवाली की पसमांदा तहसील पिपला के गांव हरनौली से ताल्लुक रखने वाले अयान काशिफ एक होनहार तालिब इल्म है। उनके वालिद मरहूम काशिफ हुसैन एक निजी स्कूल टीचर थे। उनकी वफात के बाद रियासत ने अयान काशिफ के सर पर हाथ रखा और उन्हें दानिश स्कूल में तालीम हासिल करने का मौका फराहम किया। दानिश स्कूलों में बोर्डिंग के साथ साथ बिला इम्तियाज यतीम और नादार बच्चों को आला मियार तालीम से मुजयन किया जाता है। यह मियांवाली के दानिश स्कूल के असाज़ा की शब रोज मेहनत और उनकी लगन का नतीजा है कि अयान काशिफ ने लाहौर बोर्ड में 1190 नंबर कर पहली पोजीशन हासिल की और साबित कर दिया कि जरा नम हो तो ये मट्टी बड़ी जरखेज है साकी। आई एम अयान काशिफ फ्रॉम दानी स्कूल बॉयज मियांवाली। आई हैव सिक्योर्ड फर्स्ट पोजीशन इन लाहौर बोर्ड दिस ईयर एंड दिस इज डेफिनेटली द रिजल्ट ऑफ द प्रेयर्स ऑफ माय पेरेंट्स माय टीचर्स एंड आई एम रियली थैंकफुल टू माय पेरेंट्स टू माय टीचर्स एंड स्पेशली माय इंस्टीट्यूट दानिश स्कूल्स। अयान काशिफ के दूसरे भाई आर्यन काशिफ ने भी 1156 नंबर लेकर नुमाया पोजीशन ली। इस तरह दोनों भाइयों की मेहनत और दानिश स्कूल का माहौल उनकी कामयाबी की सूरत में सामने आया। अयान काशिफ और उनका भाई दानिश स्कूल में उन्हें तालीम फराहम करने और उनकी सलाहियतों को निखारने का मौका फराहम करने पर मोहम्मद शहबाज शरीफ के मशकूर हैं, जिन्होंने बतौर वजीर आला दानिश स्कूल जैसा मनसूबा शुरू किया और जहाँ आज हजारों बेसहारा और नादार तलबा तलबात तालीम जारी रखे हुए हैं। वसीम सज्जाद, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज, लाहौर। इस्लामाबाद में तकरीब से खिताब करते हुए मनसूबा बंदी और तरक्की के वजीर अहसन इकबाल ने कहा कि ज़रई शोबे को जदीद खतूत पर उस्तवार करना वक्त की ज़रूरत। वफाकी वजीर ने कहा कि ज़रई बरामदात में इजाफे के लिए बेपनाह इस्तेदाद मौजूद है। पैदावार बढ़ाने के लिए आदाद शुमार की बुनियाद पर ज़रई शोबे के लिए प्रोग्राम वज़ा किए जाएंगे। सेंसस हमारे लिए मददगार होगा कि हम ज़्यादा इस डेटे की बुनियाद पर इन्फॉर्म्ड पॉलिसी मेकिंग कर सकेंगे। इसी तरह इस डेटा की बुनियाद पर हम रिसोर्स एलोकेशन को बेहतर कर सकेंगे। इसी तरह इस डेटा के आने से हमें अपने मुख्तलिफ जो ज़रई प्रोग्राम्स हैं उनकी मॉनिटरिंग और एवेल्यूएशन करने में मदद मिलेगी।
بلٹن میں اب کچھ بات کریں گے غزہ کی صورتحال کی، جہاں نہتے فلسطینیوں پر اسرائیل کے حملے جاری ہیں۔ 24 گھنٹے میں صہیونی فوج کے حملوں میں مزید 52 افراد شہید ہو گئے۔ خان یونس میں رہائشی علاقے پر اسرائیلی فوج کی بمباری میں 30 افراد لقمہ اجل بن گئے۔ صہیونی فوج نے تمام شہریوں کو غزہ شہر سے نکل جانے کا حکم دیا ہے۔ صہیونی بربریت نے تمام حدیں پار کر لی ہیں۔ شمالی غزہ میں 3 اہم ہسپتال بند کر دیے گئے۔ گزشتہ چند دنوں میں 4 ایسے سکولوں کو نشانہ بنایا گیا جہاں بے گھر افراد نے پناہ لے رکھی تھی۔ اسرائیلی دہشت گردی میں اب تک 38,295 فلسطینی شہید اور 88,000 سے زیادہ زخمی ہو چکے ہیں۔ سعودی عرب کے وزیر خارجہ شہزادہ فیصل بن فرحان کہتے ہیں کہ مسئلہ فلسطین کا پرامن اور منصفانہ حل ناگزیر ہو گیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ خود مختار فلسطینی ریاست کا قیام ہماری اولین ترجیحات میں شامل ہے۔ چاہتے ہیں کہ بین الاقوامی قوانین کا نفاذ یقینی بنایا جائے۔ شہزادہ فیصل بن فرحان جنگ بندی کی اہمیت پر زور دیتے ہوئے ان کا کہنا تھا کہ فلسطینی ریاست کے قیام کے بغیر خطے میں امن اور سلامتی کا خواب پورا نہیں ہو سکتا۔ 3 روزہ نیٹو سربراہ اجلاس واشنگٹن میں جاری ہے۔ افتتاحی اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے امریکی صدر جو بائیڈن نے یوکرین کو نئے فضائی دفاعی نظام دینے کا اعلان کرتے ہوئے کہا ہے کہ اس جنگ میں غلطی کی گنجائش نہیں ہے۔ یوکرین ہی روس کے عزائم کو ناکام بنا سکتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ یوکرین کو 5 ایئر ڈیفنس سسٹم اور طویل فاصلے پر مار کرنے والے میسائل فراہم کیے جائیں گے۔ انہوں نے کہا کہ اس اہم کانفرنس میں یوکرینی صدر ولادیمیر زیلنسکی کے ساتھ جاپان، جنوبی کوریا، آسٹریلیا اور نیوزی لینڈ کے رہنماؤں کو بھی مدعو کیا گیا ہے۔ ہمارا مقصد نیٹو کے کردار کو بڑھانا ہے۔ اس موقع پر جرمنی، اٹلی اور رومانیہ کی طرف سے بھی یوکرین کے لیے مزید عسکری امداد کا اعلان کیا گیا۔ نیٹو کے سبکدوش ہونے والے سیکرٹری جنرل سٹولٹنبرگ نے کہا کہ یوکرین نے غیر معمولی جرات کا مظاہرہ کیا ہے۔ اس صورتحال میں نیٹو اتحادیوں نے بھی اس کی بے مثال مدد کی ہے۔ بنگلہ دیش کی وزیر اعظم حسینہ واجد نے بیجنگ میں چین کے صدر شی جن پنگ سے ملاقات کی اور دو طرفہ تعلقات کو مزید مضبوط بنانے پر تبادلہ خیال کیا۔ دونوں رہنماؤں نے جامع تصویراتی تعاون پر مبنی شراکت داری کے قیام سے متعلق بھی گفتگو کی۔ صدر شی جن پنگ نے کہا کہ چین خطے کی ترقی اور خوشحالی کے لیے بنگلہ دیش کے ساتھ مل کر کام کرے گا۔ بنگلہ دیش کی وزیر اعظم ان دنوں چین کے 4 روزہ دورے پر ہیں۔ بات کریں گے مقبوضہ کشمیر کی صورتحال کی، جہاں قابض حکام نے امرناتھ یاتریوں کی سیکیورٹی کی آڑ میں پابندیاں مزید سخت کر دی ہیں۔ کشمیر میڈیا سروس کے مطابق سری نگر جموں شاہراہ پر پیرا ملٹری فورسز کی اضافی نفری تعینات کر دی گئی ہے۔ ڈرونز اور سی سی ٹی وی کیمروں کے ذریعے نگرانی اور میٹل ڈیٹیکٹرز کے استعمال سمیت لوگوں کی نقل و حرکت پر کڑی نظر رکھی جا رہی ہے۔ قابض بھارتی فورسز نے کلگام، اسلام آباد، بارہمولہ، راجوری اور پونچھ اضلاع کے مختلف علاقوں میں فوجی کارروائیاں جاری رکھی ہوئی ہیں۔ مقامی لوگوں نے صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ ان کارروائیوں کے دوران بے گناہ شہریوں کو تشدد کا نشانہ بنانے کے علاوہ انہیں گرفتار کر کے املاک کو نقصان پہنچایا جاتا ہے۔ کل جماعتی حریت کانفرنس کے ترجمان نے مقبوضہ کشمیر میں بگڑتی صورتحال پر شدید تشویش کا اظہار کرتے ہوئے کہا ہے کہ 10 لاکھ سے زائد بھارتی فوج کو کشمیریوں پر مظالم ڈھانے کی کھلی چھوٹ دی گئی ہے۔ انہوں نے عالمی برادری پر زور دیا کہ وہ مقبوضہ علاقے میں انسانی حقوق کی بگڑتی صورتحال کا نوٹس لیتے ہوئے تنازع کشمیر کے حل کے لیے بھارت پر دباؤ ڈالے۔ نئی دہلی میں قائم کنفیڈریشن آف ایکس پیراملٹری فورسز ویلفیئر ایسوسیشنز کی حالیہ رپورٹ کے مطابق 2011 سے 2023 تک بھارتی پیراملٹری فورسز کے 1532 اہلکار خودکشی جبکہ 46,000 سے زائد نوکری چھوڑ چکے ہیں۔ مودی کے بھارت میں مسلمان عدم تحفظ کا شکار ہیں۔ مسلمانوں کے خلاف ہندوؤں کے مظالم کی ایک طویل داستان ہے جو اب مسلمان بچوں تک منتقل ہو چکی ہے۔ بی بی سی کی رپورٹ یہ بتاتی ہے کہ مسلمان خاندانوں نے اپنے تحفظات کا اظہار کرتے ہوئے بتایا کہ بھارت میں مسلمان بچوں کو بھی امتیازی سلوک کا سامنا ہے۔ राम मंदिर उद्घाटन पे लोग खुश था ना, वे बोल रहा था जैसे कि उन लोग का कहना था कि अब तुम लोग हर एक मस्जिद टूट टूट के खाली मंदिर बनेगा, हम ही लोग राज चलेगा, वे बोल रहा था। जाना पड़ेगा तुम लोग को, यहाँ पे रहने का जगह नहीं बचेगा, इसीलिए बच्चा सबको जाने से पहले समझा देते, न उसके वहां जाना, न उसके बच्चा को इधर लाना, न झगड़ा होगा, तो आएंगे तो बड़ी मार मारेंगे, ऐसे कुछ करेगा आदमी लगा के मरा देगा इसको, यही डर हमको लगता है। मुस्लिम को नीच समझता है कि हम छोटा जात हुए, और लोग सुनते हैं कि लाला जात बहुत बड़ा होता है, लाला बाभन किसी मुस्लिम को घुसने नहीं देता। इधर सारा हिंदू रहता है, 8 हमारे इधर खरी 4 मुसलमान है, ये सब बात नहीं होता है यहाँ पर। हम लोग एक दूसरे से आना जाना बैठना, वो भी आई बैठ गई, वो भी कुछ मांगने का हुआ ले जाके पका ली, हमको भी कुछ हुआ,
पर प्रसादी सब आता है, ईद हुआ, बकरीद हुआ, यही दो त्योहार में देते हैं। उन लोग भी दशहरा हुआ, होली, छठ हुआ, होली में देती है। कंट्री किसी एक क्लास में जब हर तरीके के बच्चे बैठे हैं, तो अगर वो बच्चा जय श्री राम बोल रहा है तो मतलब वो किसी एक पर्टिकुलर रिलीजन को या पर्टिकुलर गॉड को प्रेज कर रहा है। अगर आप उसी जगह पर और बच्चों को अल्लाहू अकबर बुलवा दोगे तो डोंट यू थिंक द पेरेंट्स विल रेज कंसर्न, बिकॉज आई एम नॉट सेंडिंग माई चाइल्ड टू अ स्कूल विच इज गोइंग टू बी टॉकिंग और प्रमोटिंग रिलीजन, यू नो। आयजा की सोसाइटी में मंदिर, गुरुद्वारा और क्रिश्चियन मिशन तो हैं, लेकिन मस्जिद मौजूद नहीं है। तो हम जब ओनर से जाके मिले और उन्होंने हमें कहा स्पेसिफिकली, जब उनको पता चला कि वी आर मुस्लिम्स, तो दे वर वेरी नाइस पीपल, बट उन्होंने ये बोला एंड फॉर अस इट वाज शॉकिंग बिकॉज वी लिव्ड इन एन आर्मी कम्युनिटी दैट कि आप वो कम्युनिटी के लोगों को घर मत देना, उनकी जो तादाद है यहाँ पे बढ़ रही है। आखिर जब घर मिला तो साथ में मिला सोसाइटी का व्हाट्सएप ग्रुप। तो एक्चुअल जगह है जहाँ पर लोग हर दूसरे मैसेज में आप धर्म के बारे में बात कर रहे हो या ऐसे लोगों को नहीं होना चाहिए या इस तरीके के लोग ऐसे होते हैं, फैमिली भी कंसर्न होती है कि आगे अगर माहौल इस तरीके से ही चलेगा तो वेदर इट इज़ गोइंग टू बी सेफ फॉर एज अ मुस्लिम फॉर यू टू लिव इन द कंट्री। मतलब यहाँ तक बातें आ गई है कि इज इट ओके टू यू नो लेट योर चिल्ड्रन ग्रो अप हियर। नाज़रीन, तहरीक आज़ादी कश्मीर के रूह रवा, नज़रिया इल्हाक पाकिस्तान के दाई और आज़ाद कश्मीर के साबिक सदर वज़ीर आज़म सरदार अब्दुल क़य्यूम ख़ान की नवीं बरसी मनाई गई। उनकी ज़िंदगी के हवाले से देखते हैं आदिल अहमद ख़ान की रिपोर्ट। सरदार अब्दुल क़य्यूम ख़ान 4 अप्रैल 1924 को आज़ाद कश्मीर के ज़िला बाग के इलाके गाज़ियाबाद में पैदा हुए। इब्तदा में ब्रिटिश आर्मी में शमूलियत अख्तियार की, लेकिन जल्द ही ये मुलाजमत तर्क करते हुए कश्मीर में डोगरा राज के खिलाफ अल में बगावत बुलंद करते हुए मुसल्ला जदोजहद का आगाज किया। इसी वजह से इन्हें मुजाहिद अव्वल भी कहा जाता है। आज़ाद रियासत के क़याम के बाद 1952 में वजीर और 1954 में आज़ाद कश्मीर के सदर मुंतखब हुए। इसके बाद 1971, 85 और 90 में भी आज़ाद कश्मीर के सदर रहे। 1991 में पहली मरतबा आज़ाद कश्मीर के वज़ीर आज़म बने और 1996 में आज़ाद कश्मीर असम्बली में कायद हिज्ब इख्तलाफ भी रहे, जबकि 2001 में कश्मीर कमेटी के चेयरमैन की हैसियत से भी खिदमात सर अंजाम दी। सरदार अब्दुल क़य्यूम ख़ान की सारी ज़िंदगी कश्मीर की आज़ादी के लिए वक्फ रही। आज़ाद कश्मीर की अगर तामीर व तरक्की का जिक्र किया जाए तो आज़ाद कश्मीर में महकमा मनसूबाबंदी व तरक्यात का क्याम, फिर आज़ाद कश्मीर में जो तालीमी इनकलाब है आज़ाद कश्मीर में तालीमी अदारों का क्याम, और आज़ाद कश्मीर में जो इस्लामी क़वानीन है वो सरदार अब्दुल क़य्यूम ख़ान साहब ने ही नाफज करवाए। आप नज़रिया इल्हाक़ पाकिस्तान के दाई थे, 6 किताबें भी लिखीं। आपकी तहरीरों से पाकिस्तान से मोहब्बत की महक आती है। आप न सिर्फ आज़ाद कश्मीर बल्कि बैन अल-क़ौमी सतह पर बड़े कद काट के मालिक थे और इज़्ज़त और एहतराम की निगाह से देखे जाते थे। सियासत के साथ साथ तसव्वुफ़ और मज़हब की तरफ भी मायल थे। आप 10 जुलाई 2015 को 91 बरस की उम्र में दाई अजल को लब्बैक कह गए। सरदार अब्दुल क़य्यूम ख़ान अपने आबाई इलाके गाज़ियाबाद में ही आसूदा खाक हैं। सरदार अब्दुल क़य्यूम ख़ान की बरसी के मौके पर दारुल हुकूमत मुजफ़राबाद समेत आज़ाद कश्मीर भर में तकरीबात का इनेकाद किया गया और तहरीकी आज़ादी कश्मीर और मैदान सियासत में खिदमात पर इन्हें ज़बरदस्त खराज अकीदत पेश किया गया। आदिल अहमद ख़ान, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, मुजफ़राबाद, आज़ाद कश्मीर। नेशनल डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी और तुर्की की डिज़ास्टर एंड एमरजेंसी मैनेजमेंट अथॉरिटी के ज़ेर एहतमाम ऑनलाइन बैन अल-अक़वामी फर्जी मशकों का इनेकाद किया गया। मशकों का मकसद सैलाब, जलजला और दीगर इमरजेंसी हालात से निमटने की तैयारी के लिए मुशावरत और ज़रूरी इकदाम करना था। चेयरमैन NDMA लेफ्टिनेंट जनरल इनाम हैदर मलिक ने आफात के दौरान दो तरफा तआवुन की अहमियत पर ज़ोर दिया। उनका कहना था कि ये मशकें हंगामी सूरत हाल में मौसर बर वक्त रद्द अमल में मुआविन साबित होने के साथ साथ तमाम इदारों की बर वक्त तैयारी में मददगार साबित होंगी। नाज़िर, एक मुख्तसर ब्रेक लेते हैं, उसके बाद आपसे शेयर करेंगे मौसम की सूरत हाल का असर। गरीब लोग, आम आदमी बिजली का जो बिल 100 यूनिट या 200 यूनिट देते हैं, 200 यूनिट तक हम इनको राय दे रहे हैं 3 महीने के लिए। 50 अरब रुपए हमने मुख्तस किए हैं और 94% घरेलू सार्फीन हैं, उनको इसका फायदा पहुंचेगा 4 रुपए से लेकर 7 रुपए फी यूनिट।
इससे इंशाल्लाह मैं समझता हूँ कि जो जायज़ एक मुतालबा है आम आदमी का वो इंशाल्लाह पूरा होगा। अवाम की खुशहाली और बेहतरी के लिए हम दिन रात सरगर्मी अमल हैं। अवाम को मिले सहूलियात यही है हमारी तरजीहात। गरीब लोग आम आदमी बिजली का जो बिल 100 यूनिट या 200 यूनिट देते हैं 200 यूनिट तक हम इनको राय दे रहे हैं 3 महीने के लिए। 50 अरब रुपए हमने मुख्तस किए हैं और 94% घरेलू सार्फीन हैं उनको इसका फायदा पहुंचेगा 4 रुपए से लेकर 7 रुपए फी यूनिट। इससे इंशाल्लाह मैं समझता हूँ कि जो जायज़ एक मुतालबा है आम आदमी का वो इंशाल्लाह पूरा होगा। अवाम की खुशहाली और बेहतरी के लिए हम दिन रात सरगर्मी अमल हैं। अवाम को मिले सहूलियात यही है हमारी तरजीहात। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, वेदर अपडेट में खुश आमदीद। नाज़रीन, इस्लामाबाद समेत मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश से गर्मी की शिद्दत में कमी वाकई हुई है। मानसून बारिशों का हालिया स्पेल 15 जुलाई तक जारी रहेगा। किंजा नकवी की ये रिपोर्ट देखिए। इस्लामाबाद, रावलपिंडी समेत मुल्क के कई शहरों में आज बादल जमकर बरसे। तेज आंधी के साथ बारिश से हब्स की शिद्दत में कमी आई तो गर्मी के सताए शहरियों ने सुख का सांस लिया। महकमे मौसमियात के मुताबिक इस्लामाबाद में औसतन 25 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी की हिदायत पर चेयरमैन CDA व चीफ कमिश्नर इस्लामाबाद मोहम्मद अली रंधावा ने मुख्तलिफ मुकामात का दौरा करके नकासी आप के काम का जायजा लिया। रावलपिंडी में भी मूसलाधार बारिश के बाद वासा और कैंट इंतजामिया ने रेन इमरजेंसी नाफिज कर दी। वासा की टीमें नशेबी इलाकों में हैवी मशीनरी के साथ मौजूद रहीं। मलकाए कोसार मरी में भी गुज़िश्ता रात से बारिश का सिलसिला वक्फे से जारी है। भूरबंद, बंद कोटली और गिलियात में मूसलाधार बारिश से मौसम खुशगवार हो गया। महकमे मौसमियात के मुताबिक बलाई खैबर पख्तूनख्वा, इस्लामाबाद, खित्ते पोटोहार, शुमाल मशरकी पंजाब, कश्मीर और शुमाल मशरकी बलोचिस्तान में तेज हवाओं और गरज चमक के साथ जबकि चंद मुकामात पर मूसलाधार बारिश मुतवक्के है जबकि मुल्क के दीगर इलाकों में मौसम गर्म और मरतूब रहेगा। चेयरमैन NHA शहरियार सुल्तान ने मानसून बारिशों के पेश नज़र अफसरान और फील्ड अमले को मुस्तैद रहने की हिदायत करते हुए जोनल और रीजनल फोकल पर्सन तैनात कर दिए हैं। उन्होंने कहा कि मानसून बारिशों के दौरान नुकसानात से बचने के लिए तमाम तैयारियां मुकम्मल हैं। इस हवाले से तमाम हसास मुकामात पर NHA का अमला और बुनियादी मशीनरी भी पहुंचा दी गई है। किंजा नकवी, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज, इस्लामाबाद। आज रिकॉर्ड किए गए ज्यादा से ज्यादा दर्ज हरारत की बात करेंगे जिसकी तफसील कुछ ऐसे है। जिक्र करेंगे जैकबाबाद का जहां ज्यादा से ज्यादा दर्ज हरारत 47 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। सिब्बी में 46, दालबंदीन में भी 46, मुल्तान 41 जबकि फैसलाबाद में 39 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। और मुल्क के चंद दीगर शहरों में रिकॉर्ड किए गए ज्यादा से ज्यादा दर्ज हरारत की तफसील कुछ ऐसे है। इस्लामाबाद में ज्यादा से ज्यादा दर्ज हरारत 34 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। लाहौर 38, कराची 37, पिशावर 36 जबकि कोयटा में ज्यादा से ज्यादा दर्ज हरारत 39 डिग्री सेंटीग्रेड रहा। नाज़रीन, मौसम की सूरत हाल आप जान चुके हैं, रुख करेंगे वापस मेन डेस्क का। बहुत शुक्रिया कासिम। बात हो रही है मौसम की तो इन दिनों बरसात का मौसम अपनी तमाम तर रानाइयों के साथ जलवागर है। मोहम्मद शकील मलिक की रिपोर्ट देखते हैं। दिन सुरमई शाम सुनहरी, कितनी गहरी रात है ये बरसात है। रिमझिम बारिश, टिप टिप बूंदें, फूलों की बारात है ये बरसात है। जी हाँ, यूं तो वतने अजीज के चारों मौसम दिलकश और दिल पजीर हैं मगर ये जो बरसात है इसकी क्या ही बात है। बरसात का मौसम शहरियों को चिलचिलाती धूप और झुलसा देने वाली गर्मी से निजात दिलाता है। तेज हवाएं और मूसलाधार बारिश माहौल ही नहीं दिल का मौसम भी खुशगवार कर देती हैं।
हर उम्र और तबके के लोग बरसात से लुत्फ़अंदोज़ होते हैं। कहीं मनपसंद खाने हैं और कहीं सैर सपाटे। बारिश के पानी में बच्चों की कागज़ की कश्ती ना हो, ये कैसे मुमकिन है। ये बरसात के रोमानवी मौसम का सहर ही तो है कि शायर और अदीब सबसे ज्यादा इस मौसम पर तबाह आजमाई करते नजर आते हैं। और कुछ शायर तो बरसात में वसल ही नहीं, हिजर से भी लुत्फ़अंदोज़ होते हैं। पूरी दुनिया की शायरी में आप देखें, बारिश, सावन, बरसात, इसकी बहुत अहमियत है। हमारे यहाँ जो हमारे गीत नगार हैं, उन्होंने इस पर बहुत अच्छे अच्छे गीत भी लिखे। लेकिन जो संजीदा हमारी शायरी है, जो गज़ल की खास तौर पर शायरी है, उसमें भी बारिश का जिक्र बहुत मिलता है। हर शायर के यहाँ आपको ऐसे कई अशआर मिल जाएंगे। बरसात तो शजरकारी और नशोनुमा का मौसम भी है। हर तरफ खुशहाली ही नहीं, हरियाली भी छा जाती है। मैदान और जंगल तो सब्ज़ चादर ओढ़ लेते हैं। दरिया, झीलें और तालाब पानी से भर जाते हैं। चिरिंद परिंद अठकेलियां करते नजर आते हैं। काश्तकारों के लिए भी बरसात का मौसम एक नेमत से कम नहीं, और वो ज्यादातर अपनी फसलें बरसात के मौसम में ही लगाते हैं। कायनात में जैसे हर सू बहारों को सबात है, जी हाँ, ये बरसात है। मोहम्मद शकील मलिक, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, लाहौर।